हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता, और देखिएगा आज की हमारी रेसिपी। जैसा कि आप सामान देखकर पहचान रहे होंगे, तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने गोंद लिया है, जो हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, और ये हमने गाय का देसी शुद्ध घी लिया है। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम को तोड़कर लिया है, और यहाँ पर हमने गेहूँ का आटा लिया है, और यहाँ सबसे लास्ट में हमने लिए अजवाइन। ये देखिएगा जो हमने थोड़ी देर पहले ग्राइंड किया था, तो अजवाइन के लड्डू ज़्यादातर डिलीवरी हो जाने के बाद में महिलाओं को दिए जाते हैं। ये जो लड्डू है काफ़ी पौष्टिक होते हैं, डिलीवरी के बाद में जिन महिलाओं को कमजोरी फील होती है वो इन लड्डुओं को खाती हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डिलीवरी के बाद में जैसे महिलाएं बच्चों को स्तनपान करवाती हैं, तो ये हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि स्तनपान करवाती हैं उन महिलाओं को हमें अजवाइन के लड्डू ज़रूर खिलाने चाहिए। उसका एक बेनिफिट ये है कि अजवाइन के लड्डू खाने से स्तनपान करवाना आसान हो जाता है, और बच्चे को काफ़ी अधिक मात्रा में वो फीड करवा सकती हैं। ये देखिएगा, तो चलिए लेट में स्टार्ट अजवाइन के लड्डू। तो चलिए सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं, और इस पर हम कढ़ाई रखते हैं। गैस हमारी ऑन है और हमने कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई रखने के बाद इसमें जो हमने घी लिया था उसको हम डालेंगे। गाय का जो देसी शुद्ध घी है वो हमने इसमें अभी हाफ ही ऐड किया है, और हाफ हम थोड़ी देर बाद काम लेने वाले हैं। तो हम वेट, गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे, और थोड़ा हम वेट करेंगे जब तक ये थोड़ा गर्म नहीं हो जाता है। तो चलिए इसको हम गर्म होने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो घी था वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें हमने जो गोंद लिया था वो ऐड करने वाले हैं। हम उसमें डालेंगे, इसको फ्राई करना है हमें एक्चुअली। इसको करने में 20 से 30 सेकंड लगते हैं, और ये अच्छे से पक जाता है। और ये गोंद आप स्किप भी कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट ये जो लड्डू है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनाता है। तो इसको मैं तो जब भी लड्डू बनाती हूँ इसको हमें ऐड करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी जब भी लड्डू बनाएं, अगर आप इस गोंद को ऐड नहीं करते हैं अजवाइन के लड्डू में, तो प्लीज़ एक इस बार ट्राई कीजिए अपने किचन में। लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। चीनी ली थी वो थाली में डाल देंगे, और जो इसमें हमें बुरादा नहीं लेना है। अगर आपके पास में ये ऐसी महीन वाली चीनी नहीं है आपके पास में, तो आप मोटी जो चीनी हम चाय बनाने में यूज करते हैं उस चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। तो जो हमने ये गोंद को फ्राई कर लिया है, ये एक्चुअली हम यहाँ पर जो हमने अपनी चीनी डाली है उसी पर इसको डाल देंगे। इसका हमें एक बेनिफिट है क्योंकि जो ये फ्राई की हुई ये गोंद है इसमें जो घी एक्स्ट्रा है वो कहीं वेस्ट नहीं होने वाला है, और चीनी को जब हम लड्डू बनाएंगे तब ऐड करने ही वाले हैं, तो हमारा घी वेस्ट नहीं जाएगा और इसी में मिक्स हो जाएगा। और बचे हुए ये जो हमारे पास गोंद बच थोड़ा और रह रहा है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिएगा कितना अच्छे से हो गया है फ्राई।
निकाल लेते हैं, उसे चीनी पर डाल देंगे हम। इसी तरह सारे गोंद को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और चीनी पर डाल। फ्रेंड्स हमारा ये देखिएगा, गोंद को फ्राई करने के बाद में कितना ही घी हमारा अभी इसमें रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले उस गेहूं के आटे को भूनने जाएंगे, तो उसके लिए बचा हुआ जो हमारे पास घी है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। घी देखिए हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और हमें आटा भूनने के लिए ज़्यादा घी को गर्म करना ज़रूरी नहीं है, बॉयल आना इसमें ज़रूरी नहीं है। और अभी इसमें जो हम आटा डालने वाले हैं, ये जो हमारा गेहूं का आटा है, ये जो आटा है वो हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। घी अगर हमारा थोड़ा कम है तो इसमें हम और डाल लेंगे। घी कभी भी पहले ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, घी कम होने पर हम डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा होने पर हमारे लड्डू ख़राब हो सकते हैं। ये देखिएगा ये इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये देखिए आटा फिलहाल वाइट ही है, हम उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। और हम एक्चुअली अजवाइन के लड्डू बनाने जा रहे हैं, तो हमें इसमें घी थोड़ा एक्स्ट्रा से डालना पड़ेगा, एक या दो चम्मच, क्योंकि जो अजवाइन है वो काफ़ी ड्राई होती है खुद भी, तो ये वो घी को एब्जॉर्ब करती है अच्छे से। तो उसके लिए अभी हम चलिए एक से दो चम्मच और घी की इसमें ऐड करते हैं। तो आटा देखिए हमारा बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है हमें, तो इसलिए हमें दो से तीन चम्मच घी की और ऐड कर रहे हैं इसमें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आटा बिल्कुल एक से दो मिनट और हमें भूनना है, और हल्का गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें एक से दो मिनट और लगने वाले हैं। बस इसको चलाते रहना है और फ्लेम हमें सिम रखनी है, वरना जो हमारा आटा है जिसको हम सेक रहे हैं वो जल सकता है नीचे से, और हमारे लड्डू में अजीब सी स्मेल हो जाती है अगर हम इसको नहीं हिलाएंगे, और आटा अगर भूनने की जगह जल जाएगा तो एक अजीब सी स्मेल हो जाएगी, इसलिए हमें इसको लगातार चलाते रहना है। तो इसलिए हम एक से दो मिनट और पका लेते हैं इसको, फिर ये बिल्कुल तैयार होगा। देखिएगा फ्रेंड्स फाइनली हमारा बिल्कुल भुनकर तैयार है आटा, ये देखिए बिल्कुल इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और अभी इसमें हम ऐड करने वाले हैं जो हमने अजवाइन पीस के रखी है वो वाली, तो चलिए फिर हम ऐड कर देते हैं इसमें। गैस हमें सिम ही रखनी है, और अभी जो हमने अजवाइन पीस के रखी थी वो हम इसमें ऐड करने वाले हैं, और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिएगा एक दो से तीन मिनट इसको हम सिम गैस पर ही मिक्स करेंगे, और फिर हम इस गैस को बंद कर देंगे और फिर ठंडा होने का वेट करेंगे। चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी कलर चेंज हो गया है इसका, अजवाइन ने अपना कलर दे दिया है, और खुशबू वाओ बड़ी अच्छी आ रही है, आप लोगों तक तो नहीं पहुंच पा रही होगी। और वैसे मुझे अजवाइन के लड्डू काफ़ी पसंद है, किसी भी मौसम में खिला दो मुझे अजवाइन के लड्डू, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि जिसकी डिलीवरी हुई है वही लेडी जिसको खाएगी। अक्सर हमारे
शहर में या गांव में बुजुर्ग महिलाएं भी इसको खाती हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द रहता है या सर दर्द होता है, ये भी उसके लिए एक अच्छा रामबाण है। तो आपके घर में भी अगर कोई बुजुर्ग महिला है तो प्लीज़ उसको इसी तरह से बना कर दें, तो उनको काफ़ी जोड़ों में और अगर सर दर्द या कमर दर्द है तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उन्हें। तो झट से दर्द, जोड़ों का दर्द गायब होता है इससे। अभी तो मेरे दादी जी नहीं रहे लेकिन वो हमेशा बनवा कर खाते थे मम्मी से। तो ये देखिएगा बिल्कुल तैयार है। अभी इसको हम 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे और फिर आगे जो सामग्री है हमारी इसमें हम मिक्स करने वाले हैं। चलिए तो इसको 5 से 4 मिनट ठंडा होने देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा अजवाइन का जो मिश्रण बना हुआ था आटे का और अजवाइन का वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, केवल रूम टेम्परेचर जैसा ही अभी बचा है। चलिए फिर इसमें हमने जो गोंद और चीनी पहले से रख रखे हैं उनको इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये लीजिएगा, हमने इसमें डाल दिया और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये मिक्स करने का प्रोसीजर ऐसा है, कुछ हल्का सा इसको गर्म होना ज़रूरी है वरना हम भाई लड्डू नहीं बन पाएंगे इसमें। और जो लड्डू हैं वो खाने में इतने टेस्टी लगने वाले हैं। ये देखिएगा इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट और फिर बनाते हैं हम इसके अभी लड्डू। तो मिक्स कर लिए हैं और इसमें जो हमने काजू और बादाम तोड़ कर रखे हैं वो भी इसी में हम डाल देंगे। ये लीजिए और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल अभी हमारा रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठंडा हो गया है। तो अभी हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना डालते हैं। ये देखिएगा, तो देखिए बिल्कुल हाथों को सहन हो सकता है ऐसा ही गर्म है। और अभी हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। ये देखिएगा पहला लड्डू हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है और इसी तरह से मैं सभी लड्डू बना लूँगी। आप ऐसे जिस तरह से छोटे बड़े लड्डू खाना पसंद करते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं तो छोटे छोटे लड्डू बनाऊँगी। तो देखिएगा हमारे लड्डुओं का फाइनल लुक ये है। हमारे अजवाइन के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप कभी भी किसी भी मौसम में खाइए, ये आपके शरीर को बिल्कुल अच्छा एक्टिव रखेंगे। और आप किसी भी वर्ग महिला को ये लड्डू दे सकते हैं, उनके घुटनों का दर्द जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और फाइनली हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। ये देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में।